नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K10 5G वर्सेस Oppo F19 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो K10 5G में 6.45 इंच जबकि F19 Pro Plus 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि K10 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो K10 5G में 2.96 इंच जबकि F19 Pro Plus 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि K10 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो K10 5G में 190 ग्राम जबकि F19 Pro Plus 5G में 173 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो K10 5G में IPS LCD जबकि F19 Pro Plus 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो K10 5G में 20:1:9 जबकि F19 Pro Plus 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो K10 5G में 6.56 इंचेस जबकि F19 Pro Plus 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन K10 5G में 720x1612 और F19 Pro Plus 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो K10 5G में 84.46% जबकि F19 Pro Plus 5G में 84.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो K10 5G में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि F19 Pro Plus 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो K10 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और F19 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो K10 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F19 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो K10 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और F19 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो K10 5G में Mali G57 MC2 जबकि F19 Pro Plus 5G में Mali G57 MC3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो K10 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 और F19 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 800 UMT6853V मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो K10 5G में अप टू 1TB जबकि F19 Pro Plus 5G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो K10 5G में Android V12 जबकि F19 Pro Plus 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी K10 5G में 5000 mAh जबकि F19 Pro Plus 5G में 4310 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो K10 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें F19 Pro Plus 5G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो K10 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो F19 Pro Plus 5G की तो उसमें 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F19 Pro Plus 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में F19 Pro Plus 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A22 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।